जम्मू कश्मीर में जो सीआरपीएफ के जवान जिन्होंने कुर्बानी दी शहीद हुए उनका हम याद करते हैं और अपना पूरा का पूरा प्यार उनके परिवारों को देते हैं। हजारों करोड़ रुपए जो आपका धन था, छत्तीसगढ़ की सरकार का नहीं, छत्तीसगढ़ के किसान का जो धन था, जो आपका अपमान हो रहा था, जो आपसे चोरी की जा रही थी, वो पैसा हमने उठा के आपको वापस दिया। कहा भाई और बहनों, किसानों, ये आपका है, लीजिए। और नरेंद्र मोदी जी का जवाब, बजट में नरेंद्र मोदी जी कहते हैं किसानों के लिए हम नई योजना लाए हैं, नई योजना लाए। और जब फाइनेंस मिनिस्टर ने योजना अनाउंस की, बीजेपी की पूरी कैबिनेट ने, सब एमपी ने, पांच मिनट यू धड़ाधड़, ये देखो यू ताली बजाई, धड़ धड़। मैंने सोचा भाई ये क्या हो गया, ये क्या कर रहे, पांच मिनट ताली बजा रहे। पता लगा नरेंद्र मोदी के फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा भाई और बहनों, हिंदुस्तान के किसानों को हम 17 रुपए देंगे, दिन के 17 रुपए, मतलब एक परिवार को 17 रुपए, एक व्यक्ति को 3.5 रुपए। और उधर बीजेपी के लोग धड़ाधड़ ताली बजा रहे। चलो भैया कमाल हो गया। अनिल अंबानी को दिया 45,000 करोड़ रुपए, चोरी करवा दी, एयरफोर्स से चोरी करी। अनिल अंबानी को 45,000 करोड़ रुपए, हिंदुस्तान के किसान को 3.5 रुपए, और बीजेपी के लोग धड़ाधड़ ताली बजा रहे। मजाक बना रखा है। उससे कुछ दिन पहले हमने यही अनाउंस किया छत्तीसगढ़ में कि कांग्रेस पार्टी गारंटी करके, जैसे हमने कर्जा माफी की, जैसे हमने बस्तर में जमीन वापस दी, जैसे हमने 4,000 रुपए तेंदुपत्ता के लिए दिया, हमने कहा कि हम गारंटी करके कह रहे हैं, और हिंदुस्तान का हर गरीब व्यक्ति, किसी भी जात का, किसी भी धर्म का, कहीं का भी, आदिवासी, दलित, पिछड़ा, जो भी हो, अच्छी तरह सुन ले, कांग्रेस पार्टी की सरकार गारंटी करके देश के हर गरीब नागरिक को मिनिमम इनकम का गारंटी दे रही है। मतलब हर गरीब व्यक्ति के बैंक अकाउंट में सीधा, जैसे नरेंद्र मोदी ने अनिल अंबानी के बैंक अकाउंट में पैसा डाला, डायरेक्ट सीधा हर गरीब व्यक्ति के बैंक अकाउंट में सीधा कांग्रेस पार्टी पैसा डालेगी। बीजेपी लोग के लोग घबरा रहे, कहते नहीं भैया आप तो फंस गए, चलो 3.5 रुपए हिंदुस्तान के किसानों को दे दो। ना, हम 3.5 रुपए नहीं देंगे, हम 17 रुपए नहीं देंगे। जितना पैसा आपने अनिल अंबानी को दिया है, लाखों करोड़ रुपए आपने उनको दिए हैं, जो आपने उनको दिया हम इनको देंगे, करो जो करना है। हिंदुस्तान के हर नागरिक को, हर गरीब व्यक्ति के बैंक अकाउंट में कांग्रेस पार्टी पैसा डाल के दिखा देगी, गरीबी को हम मिटा के दिखा देंगे। आप करो जो करना है, बोलो जो बोलना है। हम ये काम हिंदुस्तान की जनता के लिए, हिंदुस्तान की माताओं बहनों के लिए, हिंदुस्तान के किसानों के लिए करके दिखा देंगे। आपने सच्चाई देख ली है। नरेंद्र मोदी जी आते हैं, कहते हैं हर बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए डालूंगा। मिल गया? मिला? सुनाई नहीं दिया? मिला? देश के चौकीदार, नहीं थोड़ी जोर से, चौकीदार, अभी नहीं बात बनी, तंबू को हिलाओ, चौकीदार, हाँ ये, अब देखिए, चौकीदार ने कहा 15 लाख रुपए दूंगा, अनिल अंबानी को 45,000 करोड़ रुपए, हिंदुस्तान के 15 बिजनेसमैन को 3.5 लाख करोड़ रुपए कर्जा माफ किया, आपको कितना दिया बताओ?
एक पैसा नहीं दिया। चलो दूसरी बात करते हैं, रोजगार की बात की। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, कितने रोजगार दिए रोजगार युवाओं को बताओ? ठीक है उसको छोड़ो, अगली बात करते हैं, किसानों को सही दाम देंगे, किसानों को सही दाम दिया? अच्छा उसको छोड़ो, उसको छोड़ो, कहा था कर्जा माफ करेंगे, किसानों ने कर्जा माफ किया? नहीं किया। अच्छा चलो उसको छोड़ो, अगली बात पे चलते हैं। आप लोग बीमा का पैसा देते हो, बीमा का पैसा किसको जाता है? अनिल अंबानी को। आप पैसा दो, नुकसान होता है, आंधी आती है, ओला गिरता है, और आपका पैसा सीधा ना सीधा अनिल अंबानी की जेब में, बड़े बड़े उद्योगपतियों की जेब में। नोटबंदी की बात करते हैं, आपको क्या क्या दिया मैं बता रहा हूं। नोटबंदी की बात करते हैं, काले धन के खिलाफ लड़ाई बोला था ना, बोला था, आप लाइन में खड़े थे, याद है आपको? आप जो यहां बैठे हो आपको याद है? हाँ, जो हाथ हिला रहे हैं याद है ना? अच्छा एक बात बताओ, लाइन में अनिल अंबानी दिखा था? मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, ललित मोदी नहीं दिखे? आपने ईमानदार लोगों की लाइन देखी? माताओं बहनों से पैसा लिया गया, छीना गया? मुझे एक बात समझा दो, अगर काले धन के खिलाफ लड़ाई थी तो ये लाइन में ईमानदार लोग सब क्यों खड़े थे? क्योंकि चौकीदार ये, अब आपसे पैसा छीना लाखों करोड़ रुपए और कर्जा माफ उनका किया, फिर से बोलो, चोरों का कर्जा। ये कौन थे मैं बताता हूं, 30,000 करोड़ रुपए मेहुल चौकसी, 30,000 करोड़ रुपए नीरव मोदी, 45,000 करोड़ रुपए अनिल अंबानी, 10,000 करोड़ रुपए विजय माल्या, ललित मोदी, ये लोग थे। अब छोटे दुकानदारों की बात करते हैं, छोटे व्यापारियों की बात करते हैं, स्मॉल मीडियम बिजनेस वालों की बात करते हैं। पहले आपकी पीठ तोड़ी, आपसे कहते हैं 500 रुपए 1,000 रुपए का नोट रद्दी कर रहा हूं, उसके बाद कहते हैं चलो बात नहीं बनी, चलो गब्बर सिंह को लाओ, चलो गब्बर सिंह को लाते हैं, 12 बजे रात को गब्बर सिंह टैक्स, और सबके सब व्यापारियों को खत्म कर दिया। और छत्तीसगढ़ के व्यापारी जो छोटा बिजनेस मिडिल साइज बिजनेस चलाते हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं अच्छी तरह सुन लो, सिर्फ छत्तीसगढ़ के नहीं पूरे हिंदुस्तान के, 2019 में ये जो इन्होंने गब्बर सिंह टैक्स लागू किया है, 5 अलग अलग टैक्स बना रखे हैं, आपका खून चूसते हैं, इस गब्बर सिंह टैक्स को हम बदल के सच्चा जीएसटी बना देंगे। एक टैक्स होगा, 5 अलग अलग टैक्स नहीं होंगे, और आपको आज जो लोग तंग करते हैं, आपसे पैसा छीनते हैं, चोरी करते हैं, वो आप पर दबाव नहीं डाल पाएंगे, आप ईमानदारी से काम करोगे। एक टैक्स होगा, सिंपल सा टैक्स होगा, आप अपना सिंपल सा टैक्स दोगे और गब्बर सिंह टैक्स को हम खत्म करके जीएसटी लागू कर देंगे। आखिरी बात मैं छत्तीसगढ़ बस्तर से कहना चाहता हूं, देखिए आपका मेरा पुराना रिश्ता है, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू जी हो, इंदिरा गांधी जी हो, सोनिया गांधी जी हो, राजीव गांधी जी हो, हमारा पुराना पारिवारिक रिश्ता है आदिवासियों से, बस्तर की जनता से। और मैं आपको सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, चाहे आपकी जमीन का मामला हो, चाहे किसानों का मामला हो, तेंदुपत्ता का मामला हो, जंगल का हो, जमीन का हो, जल का हो, आपके 2-3 सिपाही यहां सामने बैठे हुए हैं और आपका एक सिपाही दिल्ली में लोकसभा में बैठा हुआ है, जो भी आप चाहते हो मेरा दरवाजा आपके लिए खुला है। यह राजनीतिक रिश्ता नहीं है, यह प्यार का रिश्ता है। आप मालिक हो,
जो भी आप चाहते हो आप मेरे पास आओ और मुझे साफ कह दो, राहुल हम आपसे ये मदद चाहते हैं। मैं आपको सीधा बता दूंगा, अगर करा जा सकता है, मैं आपको सीधा बता दूंगा करा जा सकता है और हम उस काम को कर देंगे, और अगर कमी होगी वो भी आपको बता दूंगा। मगर मैं आपसे सच बोलूंगा, मैं आपसे झूठे वायदे नहीं करने वाला हूं। मैं आपका आदर करता हूं, मैं आपसे प्यार करता हूं, मैं आपसे सच्चाई का रिश्ता रखना चाहता हूं। आपने मुझे इतना प्यार दिया है, सिर्फ इस इलेक्शन में नहीं, मैं भूलता नहीं हूं, पिछले इलेक्शन में भी, इस इलेक्शन में भी आपने हमारा पूरा समर्थन किया, मैं इस बात को भूलने नहीं जा रहा हूं। प्यार का रिश्ता है आप सबका, दिल से और सबको, सबको दिल से, माताएं बहनें युवाओं को, सबको दिल से, बुजुर्गों सबको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।